बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ, मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। यार इस बंदे के मुतलक, इस लड़के के मुतलक मैं पहले भी कुछ न्यूज़ सुन चुका हूँ, लेकिन अभी यौमुल वतनी के ऊपर इसकी एक वीडियो वायरल की गई है, तो आपको मैं यहाँ पर वो वीडियो भी दिखाता हूँ और एक एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। शायद आप भाइयों को इसके मुतलक पहले से इल्म हो, कुछ मेरे भाई यहाँ पर पुराने मुकीम हैं उनको तो इसके मुतलक लाजम इल्म होगा। ये बंदा कौन है? सबसे पहले तो आपको मैं इसके मुतल्लक ये ही बता दूं भाई, ये शहजादा वली बिन खालद बिन तलाल है जी, अमीरों की लड़ी से है जी, शहजादा वली बिन खालद बिन तलाल। और इसकी जो वीडियो शेयर की है जी, शहजादी रीमा बंते तलाल ने जी, रीमा बंते तलाल ये भी शहजादी है जी, बिनते तलाल वो भी बिन तलाल है जी, लड़ी एक ही है यानी कि अमीरों की लड़ी से हैं। तो इस बंदे को यानी कि वलीद बिन तलाल को, वलीद बिन खालद को बोल रहे हैं, वलीद बिन तलाल को बोल रहे हैं आप, तो भाई इसको 15 साल से जायद का टाइम हो चुका है वेंटिलेटर के ऊपर ही, कोमा में है जी पास से 15 साल पहले से ये बंदा। और इसके मुतलक अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो आती हैं, तो अभी यौमल वतनी के ऊपर रीमा बिन तलाल ने इसकी वीडियो बनाई, इसके ऊपर आप देख लें सऊदी परचम के लिए, यानी कि जो सब्ज कलर होता है उस कलर का एक परचम रखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है वतन कलू बिना, यानी कि वतन कल्ब, यानी कि हमारे दिलों में है ये वतन। तो साथ में कुछ म्यूजिक वगैरह भी इसने चलाया हुआ था, झंडिया वगैरह भी लगाई, यानी कि यौमल वतनी उसके साथ मनाई। तो उसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर इस रीमा ने लगाई, रीमा बिन तलाल ने, तो फिर उसके बाद ये वीडियो काफ़ी, इस वीडियो को काफ़ी पजराई भी मिली है। तो भाई बात ये है कि इतना पैसा है इन लोगों के पास, फैमिलीज, ये जो अमीर फैमिलीज हैं, तो पैसे की तो भाई इनके पास कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लें ये 15 साल से जायद का अरसा हो चुका है, ये वलीद बिन खालद यानी कि ये कोमा में मौजूद हैं। तो भाई अगर पैसों से इलाज या जाने बचती होती तो फिर अमीर तो मरते ही ना, इस चीज़ से मैं यही सबक सीखूंगा। लेकिन फिर भी जो अल्लाह की मर्जी हो, होता वही है। तो ये एक वीडियो थी जी सोशल मीडिया के ऊपर इस बंदे के मुतलक, काफ़ी इसके मुतलक वीडियोज़ आती रहती हैं, मैं देखता रहता हूँ, तो आज मैं थोड़ी इसकी डिटेल में गया था।